सूली वालिया गमा दे हनेरिया तो तेनू मैं पुकारिया सुनी ले पुकार मेरी तू सूली वालिया गमा दे हनेरिया तो तेनू मैं पुकारिया पापा दिया संग लानी बनिया शरीरे पापा दिया संग लानी बनिया शरीरे कर दा तौबा मेरी नैना बिच नीरे कर दा तौबा मेरी नैना बिच नीरे कर दे रहमदा साया तू सूली वालिया गमा दे हनेरिया जो तेनू मैं पुकारिया सुन ले पुकार मेरी तू सूली वालिया बाप ते बेटे ते रूपाक ते नाते आमीन। साडे प्रभु येसु मसीह दा फसल खुदा बाप ते प्रेम आदे रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। प्रभु येसु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावत पैणो आज 29 सितंबर समुची कलीसिया संत मिखाएल रफाएल अदे गब्रियल महाफरिश्ते अंदा त्योहार मना रहे पवित्र कलाम सानू ये समझाउंदा है कि बपतिस्मा दे समा हरेक विश्वासी नू एक रिकवाला फरिश्ता दिंदा रहिंदा ताकि सदा वो आत्मा दे सुरक्षा ले वो वचनबद्ध रहे। इस तो अलावा आज दे पहला पाठ दे विच भी सानू ओ महाफरिश्ते संत मिखाएल जो गिरे हुए लूसिफर नू जंग दे मैदान दे विच हरा के इस धरती ते सुट दिता और कुदादा अदे विश्वास संगत दा सारे मन के जादी दा सुरक्षा करन वाला फरिश्ता मन्या जांदा नाले जबरियल फरिश्ता जो कुमारी मरियम नू सुनेहा लेके आया मुक्ति दी इतिहास दे विच वक वक मौके ते खुदा तो सुनेहा लेके आउंदे नू देख सकदा रफाएल फरिश्ता वो फरिश्ता है वो महाफरिश्ता हर एक नू अगवाई करन वाला है
सही दिशा दिखाउण लई संदेश लेके आउंदा नाले चंग्याई देण लई मनक जाति नू इन्ना तीन फरिश्तियां दे मेहरबानी सचमुच विश्वास संगत दी विश्वास द तीर्थ यात्रा दे विच अनोखे ढंग नाल सुरक्षित रखदा संभालदा अगवाई करदा अदे सानू चंग्याई दा वरदान नाल परिपूर भी करदा रहिंदा। कई बार साढ़े निजी जिंदगी दे विच राखी करन वाले फरिश्ते नू या महाफरिश्तियां नू ध्यान देण लई उन्हां दी आवाज नू सुनन लई असीं ध्यान नहीं दिंदा रहिंदा। आइए सोच विचार के साड़ा उन्हां कमियां नू चेते करिए अदे अफसोसाई होके प्रभु तो माफी मांगी। मैंने के बाले करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ती पैणा प्रमादे अगे मैं बाले करदा मैं बाले करदा मैं सोचने बोलन ते करना बहुत गुना किते ने अपने दोष नाल अपने ही दोष दिना अपने बड़े दोष दिना मैं एक बाल करदा हाँ तन सदा कुवारी मरियम ते सारे फरिश्तियां संता गे ते पैड़ा प्रमादे अगे मैं हुण बेनती करदा मैं एक बाल करदा मेरे ले खुदा बंदगे करो दुआ सारी मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मैं एक बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ती पैड़ा प्रमादे अगे मैं एक बाल करदा मैं एक बाल करदा। असी प्रार्थना करिए ये पूरी कुदरत वाले दे अकाल खुदा नजात दी अपनी योजना विच सहयोग देण लई तू फरिश्तिया मदे मनका नू सदा दिंदा है बख्श दे कि असी जो इस धरती उत्ते तीर्थयात्री हाँ
आपने तन्न फरिश्तियां राही ओ जो स्वर्ग विच तेरे अगे कड़े होके तेरी सेवा करते हैं अदे तेरे चेहरे दी जलाल नू वेके तेरी बड़ियाई करते हैं साड़ी रिखिया कर साढ़े प्रभु येसु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूप आग दी एकदा विच कुदा जीवन दा दे राज करता है सदा तुम सदा तिकर आमीन। पाठ प्रकाशन दी पोथी विचों उसका 12 बाब 7 तो 12 ऐतक। तद स्वर्ग विच लड़ाई शुरू हो गई। मिखाएल अते उसके फरिश्तिया ने अजगर दे विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अजगर अते उसके फरिश्तिया ने लड़ाई विच उहना नाल टक्कर लई पर उह हार गए अते उहना दे लई स्वर्ग विच कोई थां होर बाकी ना रही। सो इस तरह होया ओ वड्डा अजगर ओ युगां पुराना सप जो इबलीस जां शैतान अखवांदा है जो सारे संसार नूं परमांदा है ओ धरती उत्ते सुट दिता गया अते उस दे नाल ही उस दे फरिश्तियां नूं भी सुट दिता गया। तद मैं स्वर्ग विच एक उच्ची आवाज़ सुनी जो ये ऐलान करती सी हुण साडे खुदा दी मुक्ति अते समर्था अते उसका राज अते उसके मसीह का अधिकार आ गया है क्योंकि साडे भरावां ते दोष लाउण वाला थले सुट दिता गया है जो दिन रात साडे खुदा दे सामने उन्हां उत्ते दोष लाउंदा रहिंदा सी क्यों जो उन्हां ने लेले दे लहू अते अपनी गवाही दे वचन नाल उस उत्ते फतेह पाई है क्योंकि उन्हां ने मौत दे मूँह तक भी अपनी जान नूं प्यारा ना जाणिया। इसलिए आनंद मनाओ हे स्वर्ग अते तुसी भी जो उस दे वासी हो पर अफसोस तुहाडे ते हे धरती अते समुंदर क्योंकि शैतान बड़े क्रोध विच तुहाडे तक थले उतर आया है अते ओ ए जानदा है कि उसका समा थोड़ा ही है। ए प्रभु दी पाक बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जांदा सब छुपे गुना तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जांदा सब छुपे गुना दिने असा सारी गम दी गुजारी कह बिच तेरी सदा असा सारी गम दी गुजारी कह विच तेरी सदा साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा अपने तो अगे खुदा हाँ अपने तो अगे खुदा।
बोले दा दीपक है कलाम खुदा दा सब दीरा ले देंदा चानण है कलाम खुदा दा पैरां दी ले बड़े दा दीपक है कलाम खुदा दा सब दीरा ले देंदा चानण है प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संदीव ना दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ए प्रभु। येसु ने नतानियल नु अपने वल आउंदिया वेखिया अदे उस दे बारे कहा वेखो एक सच्चा इसराइली जिस विच कोई कोट नहीं है। नतानियल ने उसने कहा तू मैनु किवे जानदा। येसु ने उसने उत्तर दिता फिलिप दे तैनु दसन तो पहला जदो तू अंजीर दे रुक तले सी मैं तैनु वेखिया। नतानियल ने उसने उत्तर दिता रबी तू खुदा दा पुत्र है तू इसराइल दा राजा है। येसु ने उसने उत्तर दिता कि तू इसलिए मन लिया है क्यों जो मैं तुन कहा है कि मैं तुन अंजील दे रुक तले वेख्या तो इस तो भी वड़े वड़े काम वेखेगा। फिर उसने कहा मैं तुन सच सच कहिंदा हाँ तुसी स्वर्ग नु खुल्या होया अदे खुदा दे फरिश्तिया नु मनक दे पुत्र उत्ते चढ़ दे उतर दे वेखोगे। प्रभु दी अंजील तेरी महिमा होवे ए मसीहा। मैं तुहानु सच सच कहिंदा हां तुसी स्वर्ग नु खुल्या होया अदे खुदा दे फरिश्तियां नू मनक दे पुत्र उत्ते चढ़ते उतरते वेखोगे। प्रभु येसु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावत पैनो आज 29 सितंबर समुची कलीसिया महाबरिस्ते मिखाएल रफाएल अदे गैब्रियल दा त्योहार मना रहे ने। इन्ना तीन महान परिस्थितियां ने मुक्ति दी इतिहास दे विच वक वक ढंग नाल योगदान पाया। जिदा असी प्रकाश दी पोती दे विच आज दे पहला पाठ दे विच सुनिया जो स्वर्ग दे विच जदों जंग शुरू होया वो एक चुनौती सी। फरिश्तियां दा सरदार लूसीफर जो खुदा दे विरुद्ध उठ खड़ा हो गया सुंदरदा विच लूसीफर बाकी सारे फरिश्तियां तो उत्तम सन और उदा सुंदरदा अनोखे सन इसलिए वो घमंड नाल परिया है
उन्हें सोचिया कि सारे तो सारे फरिश्ते मेरा जय जयकार करता रहा, मेरे सुंदरता का महिमा गाँवता रहा, तो यह चंगा होगा कि मैं अपने आप को खुदा घोषित करें। जो लूसीफर खुदा के विरुद्ध खड़ा होया, फरिश्तियां विचो एक संत मिखाइल लूसीफर दे सामने ये सवाल पूछते हुए खड़ा हो गया, खुदावर के कौन है? मिखाइल शब्द दे अर्थ है खुदावर के कौन है, कौन है खुदावर के? शायद वो फरिश्ता लूसीफर नु ये चुनौती दे रही सी, और जंग दे मैदान दे विच उतर के ओना लड़िया और लूसीफर नु हराया, लूसीफर दे उदे साथियां नु इस धरती ते सुट दिता। इदे विच कोई शक नहीं, फरिश्ते जिड़ा गिर गया, उन्हां गिरिया होया फरिश्तियां दे विच वो शक्ति है जो खुदा ने फरिश्तियां नु बख्शिया सी। वो मनका तो उच्चा शक्तिशाली है, इसलिए खुदा ने मनख नु सुरक्षा देने लई इंतजाम किया, हरेक आत्मा नु बपतिस्मा दा समा एक रखवाला फरिश्ता दिंदा हुंदा जो हर समा उहदा राखी करे। जिन्ने चिर असी पवित्रता दे विच रहिंदा वह फरिश्ता साढ़े नाल हुंदे ने, जदों मसी गुणा दे गुलामी दे विच फस जांदा वह फरिश्ता साढ़े तो निकल जाता। पर तीन फरिश्ते जिन्हां नूं असी महाफरिश्ते आखदे हैं ना, उन्हां कलीसिया दे विच मान्यता प्राप्त तीन फरिश्ते हैं जिन्हां दा काम मिखाइल फरिश्ते दा काम शैतान दे नाल लड़ाई दे विच मनुख नूं अदे कलीसिया नूं मदद करना, कलीसिया नूं और हर विश्वासी नूं सुरक्षित रखना। जबरीएल फरिश्ता खुदा दा संदेश वाग, वो नवियां नवियां संदेश लेके साडे कोल आउंदे ने, खुदा दी मर्जी सानू समझावण लई। जदों भी असी खुदा दे नाल मेल करके खुदा दे नाल उहदे इशारे ते चलण लई तैयार हो जांदा, वो सानू समय समय पे संदेश भी सुनाउंदा रहिंदा। रफाइल फरिश्ता साडे अजमाइश दे विच, परेशानी दे विच, बीमारी दे विच सानू चंगियाई बख्शन वाला है, वो सानू मार्गदर्शन भी करता रहिंदा, साडी अगुवाई भी करता रहिंदा। सानू इन्हां तिन्नां महाफरिश्तियां दा मौजूदगी विश्वास संगत नूं विश्वासी भरी तीर्थ यात्रा दे विच सुरक्षित होके अग्गे वधण लई कामयाब करदा रहिंदा। आज दी अंजील दे विच नथानीएल नूं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो तुहानूं ये दसिया कि फिलिप तुहानूं मिलण तों पहले मैं तुहानूं अंजीर दे रुख दे थले वेख्या, इस तों तुसीं खुश हो गया, तुसीं मैनूं रबी खुदा दा पुत्र मनण लई तैयार हो गया।
पर हुण तो तुसी होर बहुत सारिया गल्लां वेखण वाले ने। तुसी मैं तुहानू सच सच कहिंदा हाँ, तुसी स्वर्ग नूं खुल्लिया वेखोगे। अदे खुदा दे फरिश्ते फरिश्तियां नूं मनक दे पुत्र दे उत्थे चढ़दे नूं अदे उतरदे नूं वेखेगा। प्रभु दा कहण दा मतलब की है मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, नथानियल वर्गे नेक इंसान जदों खुदाप्रस्त बन के जिंदगी गुजारेगा, खुदा दे उन्ना सारे करामतां नूं वेखण लई कामयाब होणगे, खुदा दा शक्ति नूं वेखण लई अनुभव करनगे। मौका मिलना उसी तरह हरेक विश्वासी दे जिंदगी दे विच भी जदों मसी खुदा दे इशारे ते चलण लई तैयार होएगा, खुदा सानू सुरक्षित रखेगा, संभालेगा, मार्गदर्शन करदा रहेगा और हर तरह दे मुश्किल दे विच सानू मदद भी करदे रहेंगे। और तिन महाबरिश्तियां दे राही सिर्फ निजी तौर पर साढ़े निजी जिंदगी दे विच नहीं, साढ़े पारिवारिक जिंदगी दे विच भी, कलीसियाई जिंदगी दे विच भी सानू हर तरह दे शैतानी अजमाइशां तो बचा के रखण लई उन्हां योगदान पावणगे। आज दे दिन तीन महापरिश्तियां दा त्यौहार वाले दिन असीं इस सच्चाई नूं मन्नांगे कि सचमुच फरिश्ते एक सच्चाई है, फरिश्तियां दा मौजूदगी इस दुनिया विच है और फरिश्तियां दे अगवाई हेठ चलन वाला, फरिश्तियां दा मदद मंगण वाला हर तरह दा कदरे तो अपने आप नूं बचा के रखण लई कामयाब भी होणगे। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं आशीष दे अते बरकत दे। आमीन आमीन। दाकर से रोटी ते आया हाँ, दान तेरा कबूल करो। दाकर से रोटी ले आया हाँ, दान तेरा कबूल करो। तन मन मेरा ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। तन मन मेरा ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। मेरा दान है तेरा वरदान है, इकल्ला तो मेरा भगवान है। खाली मैनू न मोड़ दे, प्यार नाल मैनू तोड़ दे। बल मेरे देख ले, चोली मेरी तो पर दे। सुख दुख जीवन ले आया हाँ, नजराना मेरा कबूल करो। गम काज सब ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। दाक रस रोटी ले आया हाँ, दान तेरा कबूल करो। तन मन मेरा ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। प्यारे प्रार्थना करो।
ताकि सर्वशक्तिमान खुदा बाप साडे कुर्बानी नु पवान करे। प्रभु इस कुर्बानी नु तुहाडे हत्थां दे विचों अपने नाम दे उत्ते ते वडियाई लई नाले साडे ते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे। हे प्रभु खुदा अपनी कलीसिया दे चढ़ावे नु कबूल कर, बख्श दे कि ये नजराना तेरी फरिश्तियां दे हत्थां द्वारा तेरे सामने पहुंचा दिता जान, अदे सारी मनिक जादी ले माफी अदे मुक्ति दा सोमा बन जान, साडे प्रभु यीशु मसीह दे रागी। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। असीं अपने दिल प्रभु अल लगाओ, असीं अपना दिल प्रभु अल लगाउंदे हां। असीं अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए, ए सही अते योग है। ए प्रभु पवित्र बा पूरी कुदरत वाले दे काल खुदा, ये सचमुच सही दे योगी मुक्ति पाउण दा राह है कि असीं हर वेले दे हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे रागी तेरे धन्नवाद करिए। तेरे वफादार फरिश्तियां अदे महाबरिश्तियां दियां सिफतां कर दियां, असल विच असी तेरी ही मान दा अदे महिमा दा गुणगान करदे हां, क्यों जो उन्हां दी इज्जत करन नाल असी तेरी उन्हां दे सृजनहार खुदा दी वडियाई करदे हां। फरिश्तियां दी शान दे जलवे विच तू सानू अपनी महान दा विखाउंदा है, जो भलाई विच सारी सृष्टि तो परे ते बेअंत है। मसीह साढ़े प्रभु दे राही सारे फरिश्तियां दे लश्कर तेरी बुजुर्गी दा जशन मनाउंदे हन, जिन्हां दे सिरजे विच असी भी बड़े चा नाल चल रलदे हाँ, अदे तेरी प्रशंसा दे गीत गाउंदे होए पुकारदे हाँ। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा, स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन, उचाइयां विच होसना मुबारक है ओ जो प्रभु दे नाम उत्ते आउंदा है, उचाइयां विच होसना। हे प्रभु तू सचमुच पवित्र है, अदे सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही दे रूप पाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शदा दे पा करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करता रहिंदा है तां जो चढ़ते सूरज तो लेके लेंदे तक एक शुद्ध गुरबाणी तेरे पौत्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इसलिए प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हाँ, अपनी मेहर नाल ही रूपाक दे रहा इन्हां नजरानियां नूं पवित्र कर जो असी तेरे पाक जूरी विच लेके आए हाँ, तां जो ये तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा वदन दे लोग बन जावे, जिस ते हुक्म नाल असी इना पैदान मनांदे हाँ। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी ली तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत दिती रोटी तोड़ी अदे अपने चेलियां नूं दिती कहिंदे होए तुसी सारे लोग अदे इस विचों खाओ, क्यों जो ये मेरा वदन है जेड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जाएगा। ए मेरे प्रभु ए मेरे खुदा, इसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दी प्याला अपने चेलियां नूं दिता ये कहिंदे होए तुसी सारे लोग इस विचों पीवो, क्यों जो ये मेरा लहू दा प्याला है नवे दे सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे दे बहुतियां वास्ते गुनाह दी माफी लई वाहे जावेगा, मेरी याद विच ये क्रिया करो। ए मेरे प्रभु ए मेरे खुदा, ईमान द पेद हे प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठन दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा। इस लई ए प्रभु असी तेरे बेटे दे मुक्तिकारी दुख भोग उस ते जलाली जीवन दे स्वर्ग विच चढ़ जाण दी यादगारी मनांदिया अदे उस ते दूजी वार आउण नूं ठीकते होए तेरा धन्नवाद करदियां, जीवन दी अदे पवित्र कुरबानी ते निछड़ांदिया असी बेनती करते हाँ कि तू अपनी कलीसिया ते चढ़ाव ते नजर कर
ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਆਗ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲਿਕ ਸਦੀਵ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸਨ ਦੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਬਰਿਸ ਸੰਤ ਮਿਖਾਇਲ ਸੰਤ ਤੋਮ ਸੰਤ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਸੰਤ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸੰਤ ਆਨਣੀ ਸੰਤ ਨੀਅਲਫੋਨਸ ਸੰਤ ਨੀ ਤੇਰੇਸਾ ਸੰਤ ਜੋਨ ਵਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਟ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲੀ ਸੰਚਾਲਕ ਐਕਨੋਲੋ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਖਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਮਸੀ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਸਨੀ ਇੱਕ ਕੁਦਾ ਸਭ ਉਸਤਦ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਹਾਮੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੰਦਰ ਦਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰਗਤ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਆਵਣ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਜੁਗ ਜੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤਿੱਕਰ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਲੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਲੈ ਆਵੇਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੱਖੇਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਰੱਖੇਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖਰੀਦਾ ਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਪਾਕੀ ਯੂਕਰਿਸਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨ ਕੀਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਾਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆਮੇਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਮੇਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤ
तैनू करन सलाम सलाम लाइक सलाम तैनू करन सलाम सलाम लाइक सलाम कुल नसलाया खास त्याम खास त्याम कुल नसलाया खास त्याम खास त्याम बीच जगत तमाम रानी असमाना दिए होवे तेनू सलाम 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 रानी असमाना